खिदमत माँ बच्चे के लिए नाश्ता बना देंगे, जो है इस कपड़े इसलिए हो जाएंगे शौहर के लिए, या घर सफाई कर दी जाएंगे, या जो कहा था वो कर दिया, जो कुछ बगैर भी कर दिया, ठीक है, इतना ख्याल रखा, पाँव दबा दिए, कुछ कर दिया, ये खिदमत होती है ना। अब खिदमत करते हैं तो ख्याल ही आता है कि देखो खिदमत कर दी है तो बर्दाश्त की तो जरूरत नहीं है, खिदमत खुद ही से बोल रही है मुझे कितनी मोहब्बत है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ अजीब मामला है कि कभी कभार ऐसा होता है आपके यहाँ बहावलपुर में नहीं होता, ये सिर्फ मुल्तान में होता है, आपकी बात आप इससे सिर्फ मुल्तान का मसला है, मैं बताता हूँ। वो ये है कि वहाँ पर ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खिदमत कर रहे होते हैं लेकिन अल्फाज में इतनी नफरत होती है, कुछ माएँ हैं वहाँ पे मुल्तान में, यहाँ पे नहीं, नाश्ता बनाते बनाते इतना तंग, इतनी गंदगी, इतनी डांट, हर चीज को क्रिटिसाइज करना, और फिर ये लो अंडे खाओ, कोई जाके मुसलमानों को समझाइए ना कि यानी खिदमत में क्या है, मोहब्बत का इजहार है उसी वक्त बयक का अल्फाज में क्या है, ये तो ये हेट नहीं, ये मुझे क्यों इतनी तकलीफ देते हैं, क्यों 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 हमेशा मेरे ऊपर टंस करते हैं, या मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, या मेरा मजाक उड़ाते हैं, या मुझे किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, मुझे हमेशा निचला करते हैं, निचला करते हैं, निचला करते हैं, लेकिन कपड़े बड़े अच्छे इस्त्री करते हैं, सर्विस भी हो रही है, खिदमत भी हो रही है, और अल्फाज भी उसके मुद्दा चाहते हैं। असल मोहब्बत में शायद दोनों की जरूरत हो, अल्फाज भी कर रहे हो और खिदमत भी हो साथ, ठीक है ना, तो ये दो हो गए, मैंने कितने कहा था, कितने हो गए, अच्छी बात, अब समझ में आएगा। तीसरी चीज तोहफे, तोहफे वो नहीं होते जो मांगे जाते हैं, तोहफे वो होते हैं जो किसी के मांगे बगैर, किसी की तवक्को के बगैर आपने नहीं दिया। वाटर, वेरी नाइस, ओके। तोहफे अब होता क्या है कि कुछ लोग ना कहते हैं ना मैंने खिदमत कर दी है, ना मैंने मोहब्बत के अल्फाज इस्तेमाल कर दिए हैं, मेरी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत क्या है, तोहफा, मैंने फीस भर दी, मैंने गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, मैंने वो उस रेस्टोरेंट में लेके गया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये तोहफा दिया, मैंने ये ट्रिप किया, मैंने नए कपड़े ईद पे लेके दिए, मैंने ये कुछ किया, जो तोहफे किए हैं वही तोहफे काफी हैं। और जब कोई झगड़ा होता है तो आप तो लगता है मुझसे मोहब्बत नहीं करता, अच्छा मोहब्बत नहीं करता तो वो किसने पे किया था, वो किसने किया था, वो किसने किया था, तोहफों की लिस्ट बनी होती है ना, तो वो सबूत होता है कि मैं कितना प्यार करता हूँ। अब तोहफे दे दिए तो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं करो, जितने तकलीफ देने वाले इस्तेमाल करते हैं, खुली इजाजत है, और खिदमत की कोई जरूरत नहीं है कि तोहफे हैं उसको वो बाकी चीज़ों के लिए कॉम्पनसेट कर देते हैं। तो होता क्या है कभी कभार कोई सिर्फ अल्फाज को पकड़ के ना उसको खिदमत का ख्याल होता है ना तोहफों का ख्याल होता है, कोई खिदमत को पकड़ लेता है ना उसको तोहफों का ख्याल है ना अल्फाज का ख्याल, किसी को तोहफों का ख्याल है ना उसने खिदमत कर दी ना अल्फाज कर दिया, यानी एक चीज़ पकड़ी हुई है। लेकिन मोहब्बत की तमाम चीज़ें नेचुरली आती हैं ना तीनों। अब एक चौथी चीज़ भी आती है, वो है आपने गले लगा दिया, आपने माथा चूम लिया, आपने हाथ पकड़ लिया, तो इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल अफेक्शन, यानी मोहब्बत का इजहार, हम कितनी यहाँ मेरे साथ आके बैठे, मेरा मुझे अपना हाथ था, मैं तुम्हारा हाथ चुन, मैं तुम्हारा माथा चुन, ये सब चीज़ें भी इंसान के लिए ज़रूरी होती हैं। जजायर का मेरा एक दोस्त था, उसके साथ में एक जगह जा रहा था तो बच्चा रो रहा था, उसका नाम बहुत ज़ोर से रो रहा था, तो मैंने कहा उठा लो, उसे कहता नहीं नहीं हम नहीं उठाते, कहता हमारा एक रूल है कि अगर बच्चे को उठाओगे ना तो अगली दफा वो और जोर से रोएगा, उसको रोने दो, उसके सिस्टम में से ही सारी चीज़ निकलने दो, वरना सारी जिंदगी उठाते रहोगे, ठीक है, तो उसको पड़े रहने दो। यानी उनके यहाँ एक है इस रूल के जरिए उन्होंने बच्चों को सिखा दिया कि माँ बाप ने मुझे उठाकर गले लगाकर तसल्ली देकर मोहब्बत देकर मुझे ये कम्फर्ट अपने पेरेंट्स से नहीं मिली, नहीं मिली, और उनका ये फायदा ये कि इस तरह पर चीखा चलाएगा काम या रोएगा नहीं। आपको क्या लगता है कि जिस बच्चे को शुरू में मोहब्बत से गले ना लगाया गया हो, जिसको ना उठाया गया हो, वो आगे जाकर उसकी शख्सियत पे उसका असर होगा कि नहीं, क्या लगता है? होगा तो सही, लेकिन जिसको पता ही नहीं कभी कि मोहब्बत के अल्फाज इस्तेमाल कैसे करते हैं,
खिदमत क्या चीज होती है, उसने कभी कभी अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं तोहफे क्या होते हैं और तोहफों का सही इस्तेमाल क्या होता है, इसने कभी गले लगाना और ये चीजें करना उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। आगे जाके जब उसकी शादी होगी उसके बच्चे होंगे तो उसकी बीवी या उसका शौहर भी ये भी करेंगे तो मुझे लगता है मोहब्बत ही करते या हर चीज से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ये तो मुझसे दूर होकर रहते हैं क्योंकि जैसे इंजीनियर को ऑकवर्ड सी चीज है लेकिन चीजें नेचुरल होनी चाहिए कभी होनी चाहिए लेकिन ये है ही नहीं उनके अंदर। घर के अंदर एक अजीब माहौल बन जाता है, डिप्रेसिंग माहौल बन जाता है क्योंकि वो चौथी चौथी चीज उस घर में नहीं है। तो चार चीजें बताई थी मैंने, थोड़ा मुझे याद दिलाना क्या है जुबान नहीं हो बंद क्या हो गए खिदमत कुरान से लेकर बल्कि इन्हीं आयात से इसको समझने के लिए मैं आपको पहले एक मिसाल देता हूँ। फर्ज करें आपकी बाजी है और आपका जॉब इंटरव्यू हुआ, वो आपका इंटरव्यू अच्छा गया और जॉब ऑफर आपको करना है और आप मशवरा लेना चाह रहे हैं अपनी बाजी से, बाजी के पास आप आए, बाजी जरा जरूरी बात करनी है, वो इंटरव्यू जो है वो हो गया, जॉब ऑफर कर रहे हैं, बाजी आप ये करनी है, हाँ हाँ फिर क्या हुआ, अच्छा ये तो अच्छा हुआ तो कर लो इसमें क्या है, हाँ ठीक है हाँ तो फिर आप जरा तंग आके कहते हो बाजी जरा एक सेकेंड फोन रखिए मुझसे जरा बात करनी, नहीं मैं सुन रही हूँ मेरे कान चल रहे हैं मैं कान से नहीं टाइप कर रही भाजी प्लीज आप मुझे देख के जरा बात कर लें भाजी ऐसे फोन बताओ ये होता क्या है किसी के दिल में आपके लिए जगह नहीं है उसका उसका दिल देखने और लगा हुआ है और अगर जबरदस्ती आप अपने लिए जगह देकर वहां भी हो वो सुन भी ले दिल से नहीं समझ रहे, दिल में बनाना जो है ना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। आप देखेंगे बहुत सारे रिश्तों में, मैं आपको एक और खतरनाक मिसाल देता हूँ, मियाँ बीवी जो है वो ड्राइव करने करते हैं तो जो शौहर है ना उसके दिमाग में कोई बात आई है जो वो कहना चाह रहा है बीवी से लेकिन वो उसको पता है अगर मैं कहूँगा तो खैर नहीं है तो अभी वो प्रोसेस कर रहा है कि मैं उसको बताऊँ या ना बताऊँ, इस बात का जिक्र करूँ या ना करूँ कि उसने जो बात मुझसे कही थी उसने मुझे हर्ट किया है या मुझे कोई तकलीफ दी है तो वो सोच ही रहा है। मसला ये है कि वर्क जो है अल्लाह ने हमें काफ़ी मामलों में अकलमंद बनाया है, सोचने के मामले में थोड़ा बेवकूफ़ बनाया है, हमारी शक्ल पर पता चल जाता है कुछ सोच रहा है बंदा कुछ छुपा नहीं सकते और आपकी बीवी ने फील भी की आपकी शक्ल पढ़ने में तो वो ड्राइव कर रहे हो आराम से वो आपसे दुनिया जिंदगी का सबसे खतरनाक सवाल वो आपसे पूछती है क्या सोच रहे हैं आपकी बीवी आपसे पूछता क्या सोच रहे हो मलक उल मौत उस वक्त अब कहीं से क्या सोचो कोई और जवाब दे लो यार बचत है कुछ अच्छा नहीं काम पे आजकल बहुत प्रेशर हुआ मैं उसके बारे में सोच रहा था हो बचत हो गई शुक्र है लेकिन फिर वो कहती है नहीं मुझे पता कोई और बात है हाँ बता दें देखें अल्लाह ने कुरान में कहा है कि आप मेरा लिबास हैं और मैं आपका लिबास हूँ आपको आप इस रिश्ते को अल्लाह ने तस्कीन के लिए सुकून के लिए बनाया है भी तस्कून मिलेगा उसको सारी आयात भी आ गए प्रैक्टिस करके आइए। वो कहती है कि देखिए अगर आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते आप मुझसे हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते और मैं आपसे हर चीज़ शेयर नहीं कर सकती तो फिर इस रिश्ते का फ़ायदा ही क्या है, इसकी तो बुनियाद ही ये है कि आप मुझे दिल की कोई भी बात बता सकते हो मैं सुनने को तैयार हूँ मैं सुनूंगी मैं आपके लिए सेफ हूँ मुझसे ज्यादा आपकी बात की हिफाजत आपके दिल की हिफाजत कौन करेगा और आपसे ज्यादा मेरे दिल की हिफाजत कौन करेगी। उसने बीवी ने आपको बड़ी जबरदस्त तकलीर की और उस तकलीर के जोश में आके आपने कहा हाँ ठीक है मैं बता ही देता हूँ तो फिर हिम्मत करके आपने मुंह खोल दिया और बता दिया कि असल में बात यह है कि पिछले हफ्ते जो हुआ था ना उसके बारे में मैं सोच रहा था ये वो तो आपने वो बात कर दी जो भी बात है आप क्योंकि ड्राइव कर रहे हो आपकी नजरें सड़क पर हैं आपको नहीं पता वहाँ शक्ल में क्या हो रहा है तो आप ये भी चक्कर के देखना चाह रहे हो कि टेम्परेचर बदला के नहीं दो तीन मिनट की खामोशी के बाद वहाँ से आवाज आती है ये बात थी आपके दिल में इस तरह सोचते हैं आप
मुझे तो पता ही नहीं था क्या ऐसा करें, मैं नहीं जाना, वापस आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, मुझे नहीं मालूम। अब शोहर ने क्या सीखा इस पूरे एडवेंचर से? उसने सीखा ये कि जब उसने मुझसे वादा किया था कि उसके दिल में मेरी बात की जगह है और वो उसको सुनेगी, लेकिन उसकी वजह से वो डिफेंसिव नहीं होगी, वो उसको ये नहीं समझेगी कि मैं उस पर हमला कर रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करेगी और वो मेरी नुकड़ नजर से बात को समझने की कोशिश करेगी। इसको आपका कहते हैं इंग्लिश में, उसको कहते हैं एम्पैथी, टू अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम समवन एल्सेस पॉइंट ऑफ व्यू। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बड़ी निशानियों में से, उनकी बड़ी खुसूसियात में से है बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम, रफा जो है अगर आपके घर में नहीं है तो हम कहते हैं हमें हमें सुन्नत का बड़ा एहतमाम है, इतनी अजीम सुन्नत है हमारे नबी की अलैहिस्सलाम रफा कि वो रऊफ थे, यानी वो किसी और की तकलीफ को उसके नुकतः नजर से समझने के लिए तैयार थे। यानी अच्छा आपको ये बुरा लगा तो मुझे ये बुरा लगा था, अच्छा ये जो आपने किया है ना ये तो कुछ भी नहीं है उस मुकाबले में जो मैंने जो आपने मेरे साथ किया है, वो फिर वो एक टेबल टेनिस मैच शुरू हो जाता था, फिर वहाँ से फायरिंग, फिर यहाँ से फायरिंग, फिर वहाँ से फायरिंग। अब जब उस बीवी को बुरा लगा और उसने वो बात कह दी, वो पहले तो कह दिया आप मुझे कुछ भी बता सकते हैं, फिर पता चला कि उसके दिल में उस बात को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है, तो शोहर ने कहे बगैर एक बड़ा अजीम दर्स अपने लिए सीख लिया, उसने एक हिदायत दे दी अपने लिए, मेरी बीवी कुछ चीज़ों के बारे में उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है, वो बातें मैं उससे आईना नहीं करूँगा, क्योंकि अगर करूँगा तो ये होगा या इससे ज़्यादा होगा। अब उस बीवी ने उस शोहर को सिखा दिया है कि अब आप मेरे बारे में जो ये बातें आपके दिल में है ना ये आप दिल में ही रखा करें, ये मेरे सामने ना करें, मुझे इसकी टॉलरेंस नहीं। और ये दूसरी तरह भी होता है, बीवी हो सकता है शोहर से कोई बात करे कॉन्फिडेंस में और वो फट जाए, अब बीवी की सीख क्या रही है, उनको तो मेरी बात सुनने का कोई सबर है ही नहीं, वो तो इसके लिए तैयार है ही नहीं कि मेरी बात को वो सुन सके, दिल से सुन सके, यहाँ सिर्फ गौर से सुनने वाली बात नहीं हो रही, दिल में जो जो जगह बनाई जाती है ना, गौर से सुनना तो आसान है कि आप मेरे लिए गौर से सुन रहे हैं, ये तो आसान है, पहले मेरी क्लास में बैठा गौर से बात सुन रहा होता है, दिल में किसी की बात के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसमें शायद आपको अपनी अना पर भी कोई धब्बा लगे, कोई कोई हिट लगे कि इसमें तो मेरी दिल चीखी है। तो ये जब जगह नहीं बनती ना, और शोहर को शोहर सीख जाता है कि मेरी बीवी के दिल में इसके लिए जगह नहीं है, तो इंसान का मसला ये है कि जो दिल की बात होती है उसको किसी ना किसी से करनी होती है, करनी तो है। अब वो शायद जाके अपनी माँ से करेगा, बाप से करेगा, या दोस्त से करेगा, लेकिन शैतान उस मौके का उठा फायदा उठा के कहता है किसी ऐसे शख्स से करो जिससे हराम का रास्ता खुल जाए। इस पे क्या कोई ना कोई तो होगा तो कहेगा दिल की खुशहाली अंडरस्कोर एक्सेस पाएगा, मैं सभी को दिया हूँ, अच्छा आप किसी से बात कर रहे हो इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक पे डीएम कर रहे हो कुछ कर रहे हो, फिर आपको लगेगा किसको तो मेरी बात समझ में आती है, इसके तो दिल में बड़ी खुशहाली है, मेरी फैमिली वाले तो कुछ समझते ही नहीं है, इनको मेरी बात समझ में आती है, और फिर आप अपने घर वालों से बिल्कुल मसनू किस्म की बात करते हो, दिल की कोई बात नहीं करते, घर पे क्या कैसा देखो जाता था, क्या हो रहा था, सब ठीक, आज क्या हुआ, कुछ भी नहीं, इस तरह की सच्ची बात करके दिल की बात फोन पे हो गई, दिल की बात दोस्तों से हुई। आपने देखा होगा बच्चे आपके उम्र हों जो जो टीनेजर्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, फिर माँ पूछेगी किससे बात कर रहे हो, किसी से भी क्या बात कर रहे हो, कुछ नहीं। पांचवी चीज है दिल में स्पेस बनाना। अब देखो वापस आयत की तरफ आते हैं, मेरा मकसद है आयत के बारे में बात करना।